लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी फिलहाल अच्छी हूँ। रागनी तिवारी आर एम आर ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है एकदम तहे दिल से। तो मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग ऐसे बने रहिए। कुछ किचन में आई हूँ कुछ बनाने, तो सोची आज ब्लॉग बना लेती हूँ, तो आप लोग बने रहिए फिर दिखाते हैं। तो ये हमारे चूचू हैं। क्या खा रहे हो ऋषि? ये आप लोगों को पता है बरसात हो रही है, तो नमकीन छान के रखी थी तो वही आ रहे हैं। बरसात भी आके बंद हो गई है, तो धूप निकली है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। तो क्या जा रही हूँ बनाने, तो आप लोग बने रहिए तो हम दिखाते हैं। फ्रेंड आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस चीज़ की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, इसमें क्या क्या डालूँगी, तो ये भी दिखाऊँगी किस तरह मैं बना रही हूँ। तो आप लोग जिस तरह मैं बना रही हूँ आप लोग ऐसे ही ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगती है। आज से मैं सावन चल रही है तो हम लहसुन प्याज का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो दिखाती हूँ क्या क्या मैं इसमें डाल रही हूँ, ये किसको किसको पसंद है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। छोटा सा वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और आप खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरा वीडियो आप लोग सपोर्ट करिए। फ्रेंड इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा मैं इसको थोड़ा लाल करके फिर निकालूँगी, फिर इसको मसाला में भूनूँगी। आप लोग को मैं दिखाती हूँ किस तरह बना रही हूँ। तो बहुत दिनों से बाद में ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, हमको भी सपोर्ट करिए, हम भी आगे कुछ कर सकें, क्योंकि बहुत उम्मीद लेके बैठी हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे। यही होता है ना कि आप हार नहीं मानोगी तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। नहीं देखो मेरा ऋषि क्या देखिए ये नमकीन खा रहे हैं नीचे ना, मैं इसको पापा को खिला के आ रहा हूँ। ये पापा को खिला के आ रहा हूँ। फोन करूँ पापा पर? कर रही हूँ मैं फोन। ये चिप्स मैं घर पे बनाई थी आलू लेके काट के, ये पता है क्यों लाल हो गया है, मैं बाल्टी में काट के ऐसे छोड़ दी थी, फिर मैं सुबह डाली थी, थोड़ा बारिश हो गई थी, तो वैसे भी खाने में अच्छी लग रही है। तो इसको मैं छान के रखी थी तो थोड़ा बच गया था, तो मैं इसको पन्नी में बांध दी थी, क्योंकि आजकल बारिश हो रहा है, मौसम ख़राब होती है तो चीज़ें भी ख़राब होती है, नरम हो जाती तो अच्छा नहीं लगती है, इसलिए हम पन्नी में बांधे थे। ऋषि मेरा खा रहा है, गया नीचे। तो आजकल बरसात में चाय नमकीन तो सबके यहाँ बनती होगी, आज ज़्यादा लोग ये लोग पसंद करते हैं। तो आप लोग ऐसे हमारे वीडियो में बने रहे तो हम फिर दिखाते हैं आगे। ये देखिए हम इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ और टमाटर डाल रही हूँ छोटा सा, आप लोगों को पता है ये टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो छोटा सी डाले तो ये टमाटर पता है आप लोगों को 10 रुपये पड़ रहा है, 10 रुपये 12 रुपये टमाटर पड़ रहा है। तो मैं इस तरह बना रहे, देखिए हरी मिर्च डाली में काट के, आप लोग को अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए। मेहनत तो कर रही हूँ तो आप लोगों ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए मेरा मसाला एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको मैं और थोड़ा वो करूँगी क्योंकि इसमें सरसों भी है, मतलब सरसों वाली मसाला है। तब लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या मसाला पड़ती है, मैं तो अपने तरीके से डाली हूँ, सरसों भी हाँ साबुत सरसों भी इसमें डाली थी मैं, इसमें थोड़ा सा मैं ये भी डाल देती हूँ ऑरेस्ट मसाला हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा मसाला हो जाएगी। मुझे ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, ये सब्ज़ी अपनी अपनी पसंद होती है। इसमें मैं जितना स्वाद है उतना ही हम नमक डालेंगे, इसको चटक खाते हैं कैसे खाते हैं उसको उतना हम डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए
फ्रेंड हम नमक डाल दिए हैं। आप लोगों को जितना नमक पसंद है, जितना आप खाना चाह रहे हैं उतना ही डालिएगा। कम हो जाए, ज़्यादा ना है नमक, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी तो खाने में एकदम बेकार लगेगी, और कम हो जाएगी तो हम बाद में भी नमक डाल के खा लेंगे। इसको अब मैं डालूँगी। तो फ्रेंड आप लोग कैसी लग रही है हमारी वीडियो, तो आप लोग एक हाथ से मोबाइल एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड बने रहिए, फिर आगे दिखाते हैं। अभी तो मैं थोड़ा फ्राई कर लूँ इसके साथ में, मसाले के साथ भी, फिर इसमें ऐड करूँगी पानी, तो आप लोग बने रहिए। इसको देखिए मैं लाल कर ली हूँ, तो अब अच्छा लग रहा है। इसे मैं निकालूंगी, अब इसे मसाला तैयार कर रही हूँ, मसाला डालूंगी इसमें। आप लोग बने रहिए। टिफिन में हम मसाला बनाए थे उसी में हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो एक डेढ़ कप। फिर मैं इसमें पानी डालूंगी, तो इसका सब्जी सूखा भी बहुत अच्छी लगती है, तो हम इसलिए पानी कर दिए। हल्का से बाद में भी पानी डाली हूँ, अब इसमें ढक दूंगी पकने के लिए। फिर मैं आटा तैयार कर लूँ रोटी के लिए। फ्रेंड हमारा सब्जी बनके तैयार हो गई, तो इसी तरह आप लोग ट्राई करिएगा इस सब्जी को। नहीं लहसुन प्याज खाते हैं सावन में, तो इसी तरह आप लोग बना के ट्राई करिएगा, तो बताइएगा बना के तो कैसी लगी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो लाइक सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाइएगा, और हमारे वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।